वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। ओके सो दोस्तों, आप देख रहे थे हमारा यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। दोस्तों हमने स्टार्ट किया था एमएचटी सीजी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स दोस्तों, जिसका मैंने आपको इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो दोस्तों ये चैप्टर इसका मैंने आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर दिया है दोस्तों ऑलरेडी इससे पहले के लेक्चर के अंदर दोस्तों। अगर दोस्तों अगर आपने वो वन शॉट नहीं देखा या फिर अगर आपने जो आपका ट्वेल्थ का जो मतलब जो चैप्टर है ओके, इसके अंदर कौन सा चैप्टर है आपका ट्वेल्थ बुक के अंदर, वो है आपका 14 नंबर चैप्टर, क्या है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। अगर आपने दोस्तों वो चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही टॉपिक है, क्या नाम है, इकोलॉजिकल सक्सेशन दोस्तों, वो अगर टॉपिक आपने उस चैप्टर का अगर नहीं पढ़ा तो उसे जाकर पहले पढ़ लो, बाद में एमसीक्यू के ऊपर आना। अगर आप वो नहीं पढ़ोगे, अगर आपको वो समझेगा नहीं तो आपको एमसीक्यू भी अच्छे समझेंगे नहीं दोस्तों। ओके तो इसलिए क्या करो आप पहले जाके वो टेक्स्ट बुक के अंदर वो टॉपिक पढ़ो, उसके बाद इसके मतलब इस एमसीक्यू पर लेक्चर पर आना। ओके तो चलो दोस्तों देखते हैं हम एमसीक्यू देखते हैं। ओके अगर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मैनेज हो रहा हो सकता है आपसे कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपके एमसीक्यू का आंसर आ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करो लेक्चर को। ओके सो देखो दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू दोस्तों हमारा ऐसा है ओके, डैश इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, मतलब नीचे देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन नेचर का फंक्शनल यूनिट है ओके, वेयर ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शनल यूनिट है नेचर के अंदर दैट इज जो ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट करता है विथ किसके साथ, ईच अदर मतलब एक दूसरे के साथ वो इंटरैक्ट करते हैं एंड देयर सराउंडिंग मतलब उनके सराउंडिंग के अंदर वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। ओके दोस्तों सो वो क्या है दोस्तों, सो वो है आपका मतलब इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होती है, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट, इकोसिस्टम क्या है, एक फंक्शनल यूनिट है ऑफ नेचर के अंदर। ओके आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे बी राइट ऑप्शन। ओके तो इसको टिक में कर दें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है ओके, द इकोसिस्टम दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट ओके एंड आर सेल्फ सस्टेनेबल आर कॉल्ड डैश इकोसिस्टम, मतलब ये बोल रहे हैं नीचे देखे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नेचुरल दैट डू नॉट रिक्वायर एनी ह्यूमन इनपुट, मतलब ह्यूमन के किसी भी ह्यूमन की जरूरत ही नहीं होती इस काम के लिए ओके एंड दैट सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब वो खुद ही वो काम करता रहता है ओके तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, वो कौन सी इकोसिस्टम है दोस्तों, सो वो है आपकी सिंपली अगर आपको समझ रहा होगा कि देखो दोस्तों एक्वेटिक के अंदर ह्यूमन का यूज होता है ओके, टेरेस्ट्रियल के अंदर भी होता है, आर्टिफिशियल के अंदर तो होता ही है आपको तो पता ही होगा, और दोस्तों ऐसे सिर्फ एक ही इकोसिस्टम है वो है आपकी नेचुरल, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं होता ओके, नेचुरली जो भी मतलब आपको पता है नेचुरली सब कुछ होता है ओके, तो आपको पता होगा नेचर का मतलब क्या क्या होता है, नेचर के अंदर क्या क्या नेचुरल होता रहता है दोस्तों, तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है। ओके इसको टिक मार कर दें दोस्तों। सो नेक्स्ट वन हमारा क्या है ओके, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस इन द स्पेसिस कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया, अब ये क्या बोल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, अ ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट पता है मतलब आपको क्या, प्रेडिक्टेबल मतलब क्या होता है, प्रेडिक्ट करना मतलब क्या होता है, आप एक अनुमान लगा रहे हो, एक आप अंदाजा लगा रहे हो ओके, द ग्रेजुअल एंड प्रेडिक्टेबल चेंजेस ओके इन द स्पेसिस, स्पेसिस के अंदर होते हैं वो चेंजेस, कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया मतलब गिवन एरिया कौन से एरिया के अंदर होते हो और उस एरिया को दोस्तों हम क्या कहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं हमसे ओके दोस्तों, उस एरिया को हम बोलते हैं दोस्तों, उससे हम बोलते हैं वो एरिया होता है आपका इकोलॉजिकल सेक्शन दोस्तों है, इसलिए आपका यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है, ए राइट ऑप्शन है ओके, इसको टिक मार कर दें दोस्तों। ओके और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज कॉल्ड, जो डेवलपमेंटल स्टेज होते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर उसे हम क्या कहें दोस्तों, ऐसे सिंपली आपसे पूछ रहे कि मतलब व्हाट इज द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ओके दोस्तों वो कौन सी है दोस्तों, वो होती है आपकी डेवलपमेंट स्टेज, अभी देखो इन्होंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने हमें आंसर का मतलब हिंट दे दिया है, अभी देखो डेवलपमेंट स्टार्टिंग के अंदर डेवलपमेंट किस चीज की होती है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर किसी चीज की अगर डेवलपमेंट हो रही दोस्तों ओके दोस्तों उससे बोलते हैं हम सेरल स्टेजेस, क्या बोलते दोस्तों, अभी देखो यहाँ पे इसको प्राइमरी सेक्शन मत कर देना, ये गलत हो सकता है आपका ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या आपका है, सेरल स्टेजेस ओके, सेरल स्टेज मैंने आपको वन शॉट के अंदर बताया था ओके, और आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर भी इसका आंसर है, मैंने मतलब जब पढ़ा था ना उसका टॉपिक आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन जो टॉपिक है इसको पढ़ा था उसके अंदर इसका भी आंसर दिया था ओके, तो इसको आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी राइट ऑप्शन दोस्तों ओके, कंफ्यूज मत हो जाना ओके, आप प्राइमरी सेक्शन के अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं पर दोस्तों ये आपका राइट ऑप्शन नहीं होगा, वो गलत होगा आपका ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है ओके, द सक्सेशन विच बींग्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर प्रेजेंट बिफोर इज नोन एज, मतलब ये बोल रहे सक्सेशन के अंदर बींग्स वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब उसके अंदर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता ओके, वेयर प्रेजेंट बिफोर मतलब उससे पहले ओके, अगर उससे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे ही बोल रहे हैं हमसे ओके, तो दोस्तों उसे हम सिंपली बोलते हैं क्या बोलते हैं उससे, प्राइमरी सक्सेशन, मतलब जब भी जब स्टार्टिंग जब होती है तो वो प्राइमरी सक्सेशन होता है ओके, सॉरी प्राइमरी सेक्शन में होता है वो होता है आपका सीरियल स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग होती है यहाँ पे सीरियल स्टेज होती है, यहाँ पे स्टार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, और प्राइमरी सेक्शन के पहले सीरियल स्टेज होती है, तो उसे ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछ रहे हो ओके, तो आपका राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे,
बी राइट ऑप्शन होगी, प्राइमरी सक्सेशन होगी, इसको टिक मार कर दें दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमारा फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए मैंने। तो फर्स्ट दोस्तों हमारे क्या है, पॉइनर्स इज कॉल्ड एज, मतलब इज कॉल्ड इज बोल सकते हैं क्योंकि पॉइनर आर, पॉइनर क्या होता है और पॉइंट, ओके तो पॉइनर्स आर, पॉइंटर्स मतलब क्या होते हैं दोस्तों, पॉइनर्स को हम बोलते हैं दोस्तों ऑर्गेनिजम्स ऑफ फर्स्ट सेरल स्टेजेस, जो पॉइंटर्स होते हैं वो आपके ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट सेरल स्टेजेस होते हैं। ओके समझ में आएगा दोस्तों आपको पॉइंटर मतलब क्या होता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है। ओके सेकंड दोस्तों हमारे क्या है, स्पेसिस दैट इन्वॉल्व अ बार एरिया इज कॉल्ड, ओके मतलब जो स्पेसिस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बी ए आर ई, ओके बेयर बोल सकते हैं उसे, एरिया आर कॉल्ड है मतलब ऐसा कौन सा एरिया होता है। ओके दोस्तों वो होता है सिंपली आपका बेयर एरिया, मतलब स्टार्टिंग एरिया बोल सकते हैं उसे दोस्तों, वो होता है आपका पॉइनर स्पेसिस। पॉइनर स्पेसिस के अंदर हमने अभी यहाँ पे देखा ना, ऑर्गेनिज्म ऑफ फर्स्ट सेरल स्टेजेस, मतलब फर्स्ट जो सेरल स्टेज होती है उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बोलते हैं पॉइनर, पॉइनर बोलते हैं, ओके पॉइनर्स बोलते हैं। वैसे यहाँ पे वो वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, पर थोड़ा घूम के पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, स्पेसिस दैट इन्वॉल्व, ओके इन्वॉल्व अ बियर एरिया, मतलब बियर एरिया मतलब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या सिर्फ क्वेश्चन चेंज किया, बियर एरिया बोल दिया, ओके बियर एरिया बोल दिया, तो इसकी वजह से क्या हुआ आपको थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं आप, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या है, मतलब समझ रहा हूँ दोस्तों आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए, वो एमएससीटी के अंदर जो से पेपर सेटर होते हैं वो ऐसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके मार्क्स मतलब कम करने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ तरकीब लगाते हैं। ओके समझ में आएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन क्या है आपका, ए राइट ऑप्शन। ओके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा है हमारा, ओके ओके जेरॉक्स सक्सेशन इज ऑब्जर्व इन, जो जेरॉक्स सक्सेशन जो होता है वो उसके अंदर वो क्या ऑब्जर्व करते हैं हम दोस्तों, ऐसे बोल रहे हैं हमसे, तो जेरॉक्स सक्सेशन के अंदर दोस्तों हम ऑब्जर्व करते हैं डेजर्ट एरियाज, मैंने आपको वन शॉर्ट वीडियो के अंदर बताया था जेरॉक्स सक्सेशन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मतलब डेजर्ट, जो सिर्फ और सिर्फ नहीं बोल सकते हम, ऐसा एरिया ऐसा इलाका जिसके अंदर मतलब बहुत ही डेजर्ट जैसा, मतलब आपको पता है डेजर्ट के अंदर क्या होता है, ज्यादातर वहां पे पानी की बहुत ही मतलब कटौती होती है, मतलब वहां पे ज्यादातर पानी नहीं होता आपको पता होगा डेजर्ट एरिया के अंदर, तो ऐसे एरिया को हम उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, जेरॉक्स सक्सेशन बोल सकते हैं उसे। ओके तो समझ लो आप हमारे इंडिया के अंदर या फिर आउट ऑफ कंट्री कहां पर भी ऐसा एरिया कहां पे, तो उसे हम बोलते हैं जेरॉक्स सक्सेशन बोलते हैं दोस्तों। ओके तो आपका राइट ऑप्शन इसलिए क्या है, यहाँ पे ए राइट ऑप्शन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे क्या है, सक्सेशन इज सक्सेशन इन एरियाज वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन अबंडेंसेस इज कॉल्ड, मतलब ऐसे बोल रहे सक्सेशन, मतलब ऐसा कौन सा सक्सेशन एरिया है जहां पर वाटर प्रेजेंट होता है दोस्तों, वो कौन सा एरिया आपका है, हाइड्रॉक्स सक्सेशन और जेरॉक्स सक्सेशन, जेरॉक्स सक्सेशन के अंदर भी आपका वाटर प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके मैंने ऐसा नहीं कहा डेजर्ट के अंदर वाटर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता, डेजर्ट के अंदर भी वाटर प्रेजेंट होता है, जो आपको आपने ज्यादा देखा होगा फिल्मों में या फिर मूवीज में आपने ज्यादा देखा होगा, वहाँ पे मतलब ऐसा कांटे वाला एक मतलब पौधा होता है उसके अंदर, मतलब ज्यादा ऐसा वो पानी वाला पौधा उसे हम कहते हो, कि तो वहाँ पे वो डेजर्ट के अंदर वो प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ऐसे कौन से एरिया है वहां पर ज्यादातर मतलब वाटर प्रेजेंट होता है दोस्तों। ओके तो हाइड्रॉक्स सक्सेशन के अंदर तो आपको पता है पानी ही पानी होता है, तो उसकी कुछ मतलब बोलने के पॉइंट नहीं यहाँ पे, आपको पता है वो आपको समझ में आ जाएगा आपके वर्ड के ही मतलब मदद से आपको समझ आएगा, पर जेरॉक्स सक्सेशन के अंदर भी आपका पानी होता था, आपको वो भी आपको समझ में आ गया अभी। ओके और मतलब आपने ज्यादा देखा होगा फिल्मों के अंदर वो ऐसा कुछ भी मतलब फेक नहीं लिखा था, मतलब सब कुछ फेक नहीं लिखा थे, तो कुछ कुछ रियल भी होता है, मतलब डेजर्ट के अंदर भी वो सब कुछ होता है। ओके तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका डी राइट ऑप्शन है। ओके इसको टिक मार कर दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो लेक्चर का दोस्तों क्या है दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं हमसे, लिस्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी, लिस्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी इज इन अ प्लांट सक्सेशन इज नोन एज, अभी बोल रहे सो लिस्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी जो होती है वो इन प्लांट सक्सेशन इज नोन एज, मतलब जो लिस्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी जो होती है वो प्लांट सक्सेशन के अंदर आती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे बोल रहे हमसे, ओके ऐसा पूछ रहे हमसे दोस्तों, उसे हम बोलते हैं दोस्तों, मैंने आपको वन शॉट के अंदर लास्ट का टॉपिक था उसके अंदर मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया दोस्तों, सो वो होता है आपका क्लाइमैक्स कम्युनिटी, जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी होती है वो लास्ट मतलब लास्ट स्टेबलाइज्ड कम्युनिटी जो होती है उसे हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोल सकते हैं, जिसके अंदर प्लांट सक्सेशन होता है। ओके तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसका राइट ऑप्शन इसके लिए क्या है, डी राइट ऑप्शन। ओके तो इसका टिक मार कर दें दोस्तों। ओके तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा है, मैंने थोड़े से स्पीड में अंदर स्पीड लिए थे सभी एमसीक्यू के अंदर, मतलब अच्छे से मैंने आपको स्पीड के सहारे समझाने की कोशिश की, मतलब मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी वीडियो लिया। ओके मतलब क्यों लिया दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी वीडियो, क्योंकि क्या होता है अगर ज्यादा मतलब मैं टाइम पास करता हूँ तो आप भी ज्यादा वीडियो पूरा देखते हैं, तो मुझे पता है दोस्तों, इसलिए मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में मतलब अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, और लास्ट में अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं वहां से कहूंगा मतलब बोलूंगा आपसे। ओके तो लास्ट में देखेंगे हम हर एक वीडियो के अंदर, मैं ऐसे एक रूल लगा रहा हूँ खुद को ही। ओके
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और दोस्तों एक हमारे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आ जाएंगे। और नोटिफिकेशन आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, जो सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है बटन, उसको भी ऑन करना पड़ता है। ओके, तो उसको ऑन कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे डायरेक्टली इस वीडियो लेक्चर के थोड़े से हार्ड लेवल एमसीक्यू लेक्चर के अंदर। ओके, तो बाय फ्रेंड्स।